कृतिका और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। और आज मैं आपको मिंट चटनी और सौंठ की चटनी बनाकर दिखाऊंगी। पर वो चटनी बनाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि आपकी वो चटनी पहले से ज़्यादा अच्छी बनेगी और आप उसकी शेल्फ लाइफ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मिंट चटनी, कहने को तो ये मिंट की चटनी है, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो हम इसमें ज़्यादा इस्तेमाल धनिए का करते हैं और कम इस्तेमाल पुदीने का करते हैं। और उसका कारण ये है कि अगर हम पुदीना ज़्यादा डालेंगे और धनिया कम डालेंगे तो वो बिटर हो जाएगी फ्लेवर में। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम धनिया इस्तेमाल करें तो हमें धनिया को हमेशा उसके स्टेम के साथ, उसकी जड़ के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशबू उसकी जड़ में ही होती है। और बहुत से लोग शायद मेरे ख्याल से इस चीज़ को मिस कर देते होंगे, क्योंकि मैं पहला ऐसा गलती करती थी। और दूसरा ये है कि मिंट को इसके ऑपोजिट करना है, मिंट को हमेशा उसकी लीव्स को यूज़ करना है, उसकी स्टेम बिल्कुल भी चटनी बनाते हुए नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी स्टेम आ गई तो भी चटनी आपकी बिटर हो जाएगी। और एक और चीज़ है, तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इसकी शेल्फ लाइफ इम्प्रूव करनी है, आपको इसको 1 वीक तक स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 ये है कि इसके अंदर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि भुना जीरा, काला नमक और अनारदाना और नींबू और दही, इन चीज़ों को आप उसमें बिल्कुल भी ऐड ना करें। आप सिर्फ हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज डाल के इसको पीस लें और एक पेस्ट बना के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी आप उसको सर्व करना चाहते हैं तब वो इंग्रेडिएंट्स जो कि मसाले, दही और नींबू है, तब आप उसमें ऐड करेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सकेगी। और आपने कितनी बार नोटिस किया होगा कि आपकी चटनी आज बनाई और अगले दिन उसका कलर डार्क हो जाता है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। पर अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी चटनी एकदम फ्रेश रहेगी, ग्रीन रहेगी और आप इसको 1 वीक तक ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मिंट चटनी के इंग्रेडिएंट से शुरू करते हैं। इसका पूरा एग्जैक्ट क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे कि हम बाहर देखते हैं कि बाहर मिंट चटनी का कलर बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर में आता है, तो वो उसका रीज़न है कि वो लोग बाहर थोड़े बहुत पालक के पत्ते डालते हैं। एक तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है और दूसरा वो कॉस्ट कटिंग के लिए पालक के पत्तों का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ 3 से 4 पालक के पत्ते सिर्फ कलर ग्रीन करने के लिए इस जार में डाल रही हूँ। तो ये मैंने चटनी थोड़ा सा पानी डाल के पीस ली है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा ग्रीन आया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसमें से आधी चटनी को मैं, क्योंकि मेरी इतनी यूज़ नहीं होगी, तो इसमें से आधी चटनी को मैं बिना मसाले, दही और नींबू डाले फ्रिज में रख दूँगी एयर टाइट कंटेनर में, और आधी चटनी में ये सारे मसाले मैं डाल करके चटनी तैयार कर लूँगी।